मैगजीन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शेफ सुमित फिर आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी के साथ आए हैं। जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो वेजिटेबल डिमसी बनाने जा रहे हैं, जिसको हम हिंदी में मोमोज भी बोलते हैं। सो सबसे पहले आपको सीक्रेट रेसिपी बता दूं, आगे आइए। गाइस, आज हम एक होटल स्टाइल में नहीं बना रहे, आज हम से एक स्ट्रीट फूड जो आप रेडियो में खाते हैं वो वाले स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही चटपटी चीज़ होगी, सो स्पाइसी के साथ बनाएंगे। लेट सबसे पहले आपको रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बिना वक्त गवाए आपको इंग्रेडिएंट्स की इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे गार्लिक लिया है चॉप, साथ में गार्लिक चॉप और जिंजर, देन इसमें कोरिएंडर चॉप लिया हुआ है, स्प्रिंग अनियन चॉप है, ग्रीन चिल्ली चॉप है हमारे पास, और ये वाइट पेपर पाउडर है, देन ये ब्लैक पेपर क्रश, सोया सॉस, सॉल्ट, और साथ में हमने यहाँ पे चिल्ली पेस्ट, और यहाँ पे हमने जो मिक्स वेजिटेबल है उसको हमने ग्रेटर कर दिया। आप कद्दूकस में ग्रेटर ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है मैदा, जिसके बाद हमने इसमें डो बनाना है, इसका जो बाहर का मैदे का डो बनेगा, ठीक है। सो इस डो बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो मैदा चाहिए। यहाँ पे 3 स्पून मैंने मैदा डालने, चलो 2 पीस मैं एक्स्ट्रा बना लूँगा अपने लिए गाइस, इसलिए मैदा थोड़ा और बढ़ा लिया मैंने। सो इसमें सबसे पहले तो आपने रिफाइंड ऑयल डालना थोड़ा सा, और वाइट सॉल्ट जरूर डालना इसके, और इसमें मैंने पानी रखा हुआ है, ये गर्म है, हल्का गुनगुना पानी है। सो आप इसको गरम पानी ही डाल लीजिएगा, तभी ये मैदा आपका सॉफ्ट होगा। ये देखिए गाइस, ऐसे इसको ऐसे भून लेना है हमको। एंड गाइस, ये देखिए हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है, इसको अच्छे से सॉफ्ट भूनना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए ऐसे, और इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है हमको। जितना आप डो को अच्छे से भूनेंगे उतना ही जल्दी सॉफ्ट होगा। और अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक इसको डो को हम पूरा कवर करके, हवा ना लगे बिल्कुल भी, एक साइड में कर देंगे। सो गाइस, जब तक ये डो अच्छे से सॉफ्ट होता है तब तक हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं, जो इसके अंदर स्टफिंग होगा, जो हमने यहाँ पे वेजिटेबल काट रखा। सो लेट्स मेक गाइस, हमेशा की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ हैं, देन बिना टाइम गवाए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब वेजिटेबल हमने सौते करना है, जिंजर गार्लिक एंड चटपटा मसाले के साथ इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले हमको ऑयल लेना है, 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, फ्लेम खोल देंगे हम, नॉर्मल फ्लेम में पकाना है इसको हमने। जब तक ऑयल गर्म करते हैं गार्लिक डालने का हमको, इसमें चॉप गार्लिक जिंजर का फ्लेवर अच्छे से देना है इसमें हमको रेसिपी में, तो गार्लिक जिंजर का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको हम सौते करेंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं गाइस, आपको वॉक का शोर भी दिखाते हैं थोड़ा सा, सुनिए। देन इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन चिल्ली, जितना मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ कि जितना आप स्पाइसी लाइक करते हैं उतना डालिएगा। तो अब इसमें हम डाल दें वेजिटेबल्स जो हमने इसमें चॉप करके रखे हुए, ग्रेट करके रखे हुए, तो इसको हम सौते करेंगे अच्छे से। इसको तब तक सौते करना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए, ठीक है। एंड गाइस, देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे वेजिटेबल बना लिया है। सो जब तक ये कोल्ड होता है इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम यहाँ पे जो हमने डो बनाया था 10 से 15 मिनट हो गए, सो हम इसके पेड़े बनाएंगे साथ में। एंड गाइस, इसको ऐसे रोल करना है हमको पूरे टेबल पे, सेल्फ पे भी रख के कर सकते हैं आप ऐसे रोल, और इसको कट भी करना है ऐसे, जितना बड़ा आप डिमसिम बनाना चाहते हैं, बाकी डिमसिम के साइज आपको पता ही है, सारे पीसेस ऐसे कट कर लेने आपको, ये देख सकते हैं। ओके, मैदा ऐसे आपने डस्ट करना है इसको कि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। सो ये देखिए गाइस, इसको ऐसे दबाना हमने पेड़े को, मैदा लगा के ऐसे रोल कर देना है इसको हमने वही साइज में, देख सकते गाइस। और ध्यान रखिएगा, बीच वाला हिस्सा मोटा होना चाहिए, साइड वाला पतला होना चाहिए आपका। अगर आप स्टफिंग करेंगे तो, जब स्टीम करेंगे तो बीच से फट सकता है वो। सो
सो आप हमेशा बीच में मोटाई रखिए उसका साइज। ये देखिए गाइस, हमने एक शीट बना लिया, सभी शीट हमने ऐसे ही बना लेने। गाइस हमने ये सारी शीट्स ऐसे बना ली है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना, वेजिटेबल हमारी ठंडा हो गया, सो वेजिटेबल को ऐसे स्टफ करना है अपनी साइड में, बीच में एकदम ऐसे कवर कर लेना वेजिटेबल को। और आप जोन सा शेप बनाना चाहते हैं वही बना सकते हैं। और इसमें पानी लगाइएगा थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे पानी लगाया। और क्या करना है यहाँ पे हमने ऐसे एक, ठीक है, यहाँ से कवर करना है, दो तीन चार पाँच और छः। मैं तो अभी छः में बना रहा हूँ, आप लोग जितने राउंड दे सकते हैं उतना ही बनाइए, ठीक है। और इसको ऐसे बंद कर देना है, ये देखिए। और गाइस ये सारे जो हमने शीट्स काटे हैं बनाए हैं उसको ऐसे ही शेप में बनाना है आपको। तो गाइस ये हमने सभी बना लिए और इसको अब स्टीम करने की बारी है। ये देखिए ऐसे रखिएगा आप सब बम्बू स्टीमर में, देखिए ऐसे, ये देखिए। अब आइए चलिए अब हम इसको स्टीम करते हैं। सो आइए गाइस, ये हमारा स्टीमर भी अच्छे से हो गया है, इसको बंद करेंगे हम और इसको कवर कर देंगे स्टीमर को। हमारे मोमोज अब स्टीम हो गए होंगे, आप 20 से 25 मिनट या आधा घंटे भी आप इसको रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, गलना नहीं चाहिए, साथ साथ में देखना भी है। लगभग 20 और 25 मिनट में ये आपका मोमोज तैयार हो जाएगा। सो अभी स्टीमर में हमारा मोमोज है, देखते हैं उसको एक बार। वाह स्मोक अच्छा हो रहा है। सो अभी हम इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे इसकी। आइए सो गाइस आप देख सकते हैं, इधर क्लोज से दिखाइए, देखिए कितनी डेलिशियस अमेजिंग रेसिपी बनी है। सो आप लोग इसको घर पे आप ट्राई कीजिए, बना के देखिए और टेस्टी बनेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात है सॉस मैंने यहाँ पे बना रखी है। सो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मैं इसकी सॉस की रेसिपी ज़रूर बताऊँगा। सो इसके बाद